लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखे लाइव 24 न्यूज। बीपीएससी 1.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो केस चल रहा है, पेटिशनर जो केस कर रहे हैं, जिसका केस लड़ रहे हैं वकील वाई बी गिरी, जो हाईकोर्ट के जाने माने वकील है, और जस्टिस नैन्या तागिया के जुरिडिक्शन में ये केस हो रहा है। और 10 जुलाई को सुनाया नहीं गया था, 10 जुलाई को जज साहब ने फैसले को रिजर्व करके रख लिया था कि फैसले को रिजर्व कर लिया। जब फैसले को जब रिजर्व रख लिए तो वाई वी गिरी ने रिक्वेस्ट किए कि 19 जुलाई से पहले आप रिजल्ट दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट आ रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है। उससे ये होगा कि बीपीएससी को पता चल जाएगा, अगर आप इनके पक्ष में रिजल्ट देते हैं तो उतना ही वैकेंसी निकालेंगे, उतना ही लोगों का रिजल्ट निकालेंगे, ताकि इन लोगों को वंचित नहीं रहेंगे नौकरी से, बीपीएससी को कोई बहाना नहीं मिल पाए। इसलिए 19 जुलाई से पहले अगर आप रिजल्ट देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन खुशखबरी, हमें खबर इसलिए दिखा रहा हूँ, खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए है जो पेटिशनर है, उनको 18 जुलाई को डेट मिल गया है। 18 जुलाई को जज साहब फैसला सुना रहे हैं, 10 से लेकर 11 के बीच में ये टाइमिंग है, और 18 जुलाई को ये फैसला बहुत जल्द सुनाएंगे। लेकिन उनके पक्ष में है या उनके पक्ष में नहीं है ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन 10 जुलाई को जो बहस हो रही थी, तकरीबन 2 घंटा बहस हो रही थी, उस बहस में जज साहब जिस तरह से सवाल कर रहे थे सरकार से, बीपीएससी से, उनके जो एक्सक्यूज दे रहे थे, उनके एक्सक्यूज को नकार रहे थे कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। और जिस तरह से विद्यार्थी जो पेटिशनर के पक्ष में उनकी जो स्टेटमेंट आ रही थी, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 18 जुलाई को जो फैसला आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, बीपीएससी 3.0 का, उनके पक्ष में होगा, उनके पक्ष में होने की संभावना है। और वकील वाई वी गिरी सर ने भी कहा था कि इनके पक्ष में ज़्यादा संभावना है, बाकी जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है। अब 18 जुलाई का फैसला आने का मतलब ये है कि 19 जुलाई जी जब इस बात को नोटिस किया जज साहब कि 19 जुलाई से पहले रिजल्ट देना है, तो हो सकता है 18 जुलाई को जो फैसला आएगा वो पेटिशनर के पक्ष में होगा, बाकी जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या फैसला सुनाते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना के, मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।